हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आप भी अपने वीवो के स्मार्टफोन में ऐप्स को हाइड करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने वीवो के स्मार्टफोन में ऐप्स को हाइड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिना किसी एप्लीकेशन की मदद से अपने वीवो के स्मार्टफोन में ऐप्स को हाइड कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन सेटिंग्स बताने वाला हूँ। पहला तो ऐप्स को कैसे हाइड करना है, एंड सेकेंड वन, हाइड हुए ऐप्स को कैसे यूज़ करना है, एंड थर्ड वन, हाइड हुए ऐप्स को कैसे अनहाइड करना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने मोबाइल फ़ोन में ऐप्स को हाइड तो कर लेते हैं, लेकिन उनको उन ऐप्स को अनहाइड करने नहीं आता। तो आज मैं आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ कि आपको कैसे अपने वीवो के स्मार्टफोन में ऐप्स को हाइड करना है, और उस ऐप्स को कैसे यूज़ करना है, और फिर से उस ऐप को कैसे अनहाइड करना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी यूजफुल वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए गाइस, मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं। पहले तो आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है फिंगरप्रिंट, फेस एंड पासवर्ड, तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट, फेस, स्मार्ट अनलॉक, प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन ऑप्शन मिलेगा। तो आपको लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन। तो यहाँ से आपको अपना प्राइवेसी पासवर्ड एंटर करना है, जो भी आपका प्राइवेसी पासवर्ड है। तो यहाँ से मैं पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। पासवर्ड एंटर करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे, प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐप इंक्रिप्शन एंड हाइड ऐप। तो ऐप हाइड करने के लिए आपको हाइड ऐप पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप हाइड ऐप के पेज पर आ जाएंगे। यू कैन टर्न ऑन द स्विच ऑफ एनी ऐप टू हाइड इट व्हेन हिडन। The app is completely closed and does not show up on the home screen, recent apps interface or various app lists and cannot receive new messages during use. The app will be visible except on the home screen. After using the app, remove it from the recent apps interface or use speed up to hidden it again. तो दोस्तों, जो भी आप ऐप हाइड करना चाहते हैं यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं। बस आपको हाइड करने के लिए इस ऑप्शन को ऑन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं Amazon Shopping, तो मैं इस एप्लीकेशन को हाइड करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं आपको इस एप्लीकेशन को दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन जो है शो हो रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ से मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ। इस एप्लीकेशन को हाइड करने के लिए बस आपको इसको ऑन कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ परमिशन पूछ रहा है, हाइड Amazon Shopping, एप्स विल बी क्लोज्ड व्हेन दे आर हिडन फ्रॉम द फर्स्ट टाइम और व्हेन ऑटोमेटिकली हिडन आफ्टर यूजिंग। Please remember to save your data. A cloned app can be hidden separately, but it will be hidden if the master app is hidden. तो confirm पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि ऐप हाइड हुआ है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने होम स्क्रीन से ऐप जो है हाइड हो चुका है। तो इस तरह आप किसी भी ऐप को सेटिंग्स में जाकर हाइड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप उस ऐप को यूज़ करना चाहते हैं तो फिर से आपको सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ से आपको फिर से फिंगरप्रिंट एंड फेस एंड पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको पासवर्ड एंटर करना है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है लास्ट वन वाला, विव हिडन ऐप्स। जो भी ऐप्स आपने हाइड किए हैं यहाँ पर आपको वो शो होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिडन ऐप्स। मैंने अभी अभी Amazon Shopping एप्लीकेशन को हाइड किया था। तो यहाँ से आप इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, यानी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि उस एप्लीकेशन को अनहाइड कैसे करना है। इसके लिए ना फिर से आपको सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ से आपको फिंगरप्रिंट एंड फेस एंड पासवर्ड पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपना प्राइवेसी का पासवर्ड एंटर करना है, और यहाँ से आपको फिर से हाइड ऐप पर जाना है। तो यहाँ पर जितने भी ऐप्स
आपने हेड किए हैं यहाँ पर शो होंगे। इसको यहाँ से ऑफ कर लेना है। जैसे ही आप इसको ऑफ करेंगे तो ये ऐप अनहेड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप जो है अनहेड हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरह आप अपने वीवो के स्मार्टफोन में ऐप्स को हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, इस तरह आप अपने वीवो के स्मार्टफोन में ऐप्स को हाइड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसी यूजफुल वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।